तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स फिर से एक न्यू अर्निंग एप्लीकेशन। मतलब कि फ्रेंड्स, अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको कैशबैक मिलेगी, तो ये रिचार्ज एप्लीकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना होगा, रिचार्ज कैशबैक एंड बिल पेमेंट आपको सर्च करना है। आपको प्ले स्टोर में आकर और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, इसका लोगो जो है स्पाइरल पे है, इसको हम लोग को इंस्टॉल कर लेना है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लिया हूँ, आप लोग भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली इसे ओपन करता हूं फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद मैं बताता हूं ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है और इसमें रजिस्टर कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स लॉग आउट हो जाता हूं। लॉग आउट होने के बाद मैं आप सभी को बताता हूं फ्रेंड्स कि इसमें हम सभी को कैसे अकाउंट को क्रिएट करना है। आप लोग न्यू यूजर होंगे तो आपको सिंपली क्लिक करना होगा साइन अप पे। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहां पे अपना नाम फिल करना होगा। ठीक है, जो भी आप नाम है नाम को फिल कर देंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आप एक कोई लगा लेंगे, एमपिन भी आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद में रजिस्टर पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है विद इन सेकेंड। मैंने ऑलरेडी से क्रिएट कर रखा है फ्रेंड्स। मैं डायरेक्टली इसमें ओपन हो जाता हूँ और ओपन होने के बाद में आप सभी को बताता हूँ फ्रेंड्स कि कैसे हम सभी को इसमें अर्निंग करना है रिचार्ज करके। ठीक है फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंस्टेंटली 2 रुपीज़ आपको कमीशन दे दी जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन में आपको जैसे इंस्टॉल करते हैं तो 2 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाती है। अब हम लोग बात करें फ्रेंड्स इसमें कितना हम सभी को कमीशन मिलती है, तो कमीशन मिलती है वो लोग हम लोग देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, शुरू से करते हैं। ऐड बैलेंस ऑनलाइन, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बैलेंस की हिस्ट्री देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑफलाइन भी मनी को ऐड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बैलेंस का हम लोग हिस्ट्री देख सकते हैं। अब हम लोग नीचे आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रीपेड का, पोस्टपेड का, डीटीएस का, लैंडलाइन का, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, रिपोर्ट्स, प्ले स्टोर, वेबसाइट, फास्टैग और भी बहुत सारे कामों को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन बात है फ्रेंड्स, रेफर करते हैं कि आपको कमीशन प्रोवाइड कराया जाता है जो आपका फ्रेंड्स रिचार्ज करता है। बैक आते हैं फ्रेंड्स हम लोग, थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में देख सकते हैं बहुत ही जल्द कमिंग सून आने वाली है ये तीनों फैसिलिटी, बस टिकट, होटल बुक और फ्लाइट टिकट। ठीक है सर, उसके बाद में हम लोग बात करें फ्रेंड्स कमीशन का, रिपोर्ट हम लोग यहाँ से देखेंगे, सर्विस वाइज डाटा यहाँ से देखेंगे, माई कमीशन यहाँ से देखेंगे और कंप्लेन यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें फ्रेंड्स सपोर्ट की, तो सपोर्ट हम लोग को व्हाट्सअप की दे दी जाती है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सअप में जाकर सपोर्ट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करें फ्रेंड्स इसमें मनी को कैसे ऐड करना है, तो हम लोग कर लेते हैं पहले मनी को ऐड। मनी को ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऐड बैलेंस पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। ऐड बैलेंस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको जितने भी ऐड करने हैं उतने फिल कर देंगे। पे यूजिंग गेटवे पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। पे यूजिंग गेटवे पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास आपका पेटीएम ओपन होकर आ जाएगा, जो भी यूपीआई ऐप होगा। उसके बाद में आपको पे पे क्लिक करना होगा सिंपली, और यूपीआई आईडी जो भी है फ्रेंड्स आपका, उस यूपीआई को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और यूपीआई के जैसे ही हम लोग फिल कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाता है इस एप्लीकेशन में विद इन सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है ऐसा एक रिसिप्ट। तो इस तरह मनी इसमें हम लोग ऐड करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन में और हम लोग कैसे करेंगे, तो बैक आते हैं। रिचार्ज करने के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इसी एप्लीकेशन में, कैसे हम लोग रिचार्ज करते हैं एक हम लोग करके देख लेंगे फ्रेंड्स रिचार्ज। यहाँ पर आप लोग माई कमीशन पे क्लिक करके फ्रेंड्स और अपना कमीशन देख सकते हैं कितना कमीशन आपको अभी मिल रही है, तो हम लोग क्लिक करके देख ही लेते हैं फ्रेंड्स। एयरटेल पे 2.3% और बीएसएनएल का 4.5%, बीएसएनएल स्पेशल 4.5%, वोडाफोन का ये देख सकते हैं, जियो का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पोस्ट पैड नीचे आपको दी गई है और डीटीएस भी आपको नीचे दे दी गई है, 3.2% सभी पे है। और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी पर 0.30% है। ठीक है, वाटर पर भी 0.30% है। यहाँ से हम लोग कमीशन देख लिया है फ्रेंड्स। अब हम लोग एक लाइव रिचार्ज करेंगे और इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। तो मैं लाइव रिचार्ज प्रीपेड पे क्लिक करता हूँ और एक बीएसएनएल का कोई भी मोबाइल नंबर मैं फिल करके 10 रुपीज़ का रिचार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर को फिल कर दिया, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, मैंने ऑटोमेटिकली डिलीट करा दिया है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं अमाउंट को फिल कर देता हूँ और मैंने जो एम पिन अपना लगाया होगा उसको फिल कर देना होगा। उसके बाद में व्यू प्लान, अगर आप प्लान देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो व्यू प्लान पे क्लिक कर देंगे। अगर आप लोग प्लान नहीं देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा, सबमिट पर क्लिक करना होगा, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स हम सब। तो हम सभी का जो रिचार्ज एप्लीकेशन है फ्रेंड्स
ओके. तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, ये ऑपरेटर का जो अभी सर्विस है 10 रुपीज़ का भी बंद है. तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग रिचार्ज करेंगे फ्रेंड्स, और क्या करेंगे फ्रेंड्स, अर्निंग करेंगे इस एप्लीकेशन से. तो अगर आप लोग रिचार्ज करेंगे फ्रेंड्स तो इसमें आपको अर्निंग दी जाती है, मतलब कि कमीशन प्रोवाइड करा दी जाती है इसी वैलेट में जितना आपका रिचार्ज बना. तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि इस एप्लीकेशन से हम सभी को कैसे रिचार्ज करना है. अगर कोई दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए. मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में फ्रेंड्स. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.